जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे साथ हाफिज भाई उस्मान और हारिस भाई, क्या हाल है जी आपको दोनों का? अल्लाह का, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ठीक है, आप भी ठीक हैं? गुड हो गया। अच्छा जी, आज फिर होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आज। और हमारे पीसीबी ने एक और फैसला किया है कि अगर आज मैच मुकम्मल नहीं होता तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल को, ठीक है, यानी उससे अगले दिन कल। तो काफी मजा आने वाला है, काफी मजा आएगा जी। फैसला होता है, होगा इंशाल्लाह, इस बार फैसला होना जरूरी है क्योंकि इंडिया पिछली बार बारी लेके भाग गया है और इंडिया के लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि आपकी बचत हो गई है और अगर आप खेलते तो पाकिस्तान ने जीत जाना था, क्योंकि जो जज्बा पाकिस्तान का है तो इंडिया हमेशा जो है, इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो डरती है खेलते हुए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हमारी दुआ है जी पाकिस्तान जीते बहुत अच्छे तरीके से। और एक और बहुत बड़ी बात, हमारे वसीम अकरम के जूनियर वसीम अकरम जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में छाए हुए हैं और कैसी कैसी स्विंग कर रहे हैं, ऐसे मारते हैं इधर बोल जाती है, ऐसे मारते हैं इधर बोल जाती है, क्या बात है जी उनकी। अभी तो इंडिया के मुंह से हम कह रहे हैं, इंडिया के मुंह से हम सुन रहे हैं जी, अभी शहीन हारिस और आपसे और नसीम अकरम जो है वो नसीम शाह जो है वो नहीं संभाले जा रहे, तो अभी वसीम अकरम का जो जूनियर आया वो आप कैसे संभालेंगे, क्यों जी? बिल्कुल। और मैं एक और बात से बड़ा खुश हूँ, हंसूँ कि हमारे टिकटॉक पे एक और बात बड़ी छाई हुई है जी, ये बिजली की टेप यूज करते हैं बॉल टेप बॉल खेली जाती है हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, तो ये बिजली की टेप यूज करते हैं इसलिए बिजली की रफ्तार में ये बॉल करते हैं, क्या बात है। वो फिर आपको पता है शहीन शाह अफरीदी की जो हमारी वो बॉलिंग की स्पीड ही इतनी तेज है बिजली की तरह। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया पीछे भी हम बैठे थे हारिस के मुंह से, ना हारिस रऊफ निकला ना नसीम शाह, डायरेक्ट शाहीन शाह। लगता शाहीन शाह तो काफी प्यार है आपको, वो बड़ा अच्छा लगता है, प्यार है, इतना अच्छा बॉलर है वो, छोड़ ही दे उसके बाद मतलब बाप लगा फिर वो ऐसी बात है। अभी बात भैया आप अपना लव बता दे कौन है। मेरा लव तो भाई फास्ट बॉलर सारे ही हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, क्या बात है, पेसर सबरे पाकिस्तान के, क्योंकि हाँ मैं तो खुद फास्ट बॉलर हूँ और मैं जो अच्छी बॉल करता है मैं उसको लाइक करता हूँ। और मैंने हाफिज भाई को पहले भी कहा था, मैंने बताया था कि जब मोहम्मद रिजवान जो है हमारे बैट्समैन आए थे ना शुरू शुरू में जब आए थे तो इतना इनको मतलब अभी इतना इनका टीम में नाम नहीं था, अभी वो जो है इतना यानी नाम नहीं था, इतना टॉप ऑर्डर पे नहीं रखा था उनको, यानी चौथे पांचवे पे तीसरे नंबर पे उनको रखा होता था। तो मैं और मेरे अब्बू जब हम लोग मैच देखते थे ना तब मेरी और हारिस भाई की और इनके साथ इतनी अभी दोस्ती नहीं थी, तो मैं इसको बता रहा था बात के तब मैंने इसको जज कर लिया हुआ था कि ये अच्छा प्लेयर है, इसको ज्यादा खिलाते नहीं है। और जो है मोहम्मद रिजवान वो काफी देर से पाकिस्तान टीम में ज्वाइन है, तो अल्लाह पाक की जात ने उनको इज्जत दी और आज माशाल्लाह वो ओपनर भी आ जाते हैं, वन टाउन भी आते हैं जब उनका दिल करे, जब उनको हम कहते हैं नहीं आपने थर्ड टाउन पे आना है वो थर्ड टाउन पे भी आते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में भी बात की कि हमारा जो बिलीव है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है, तो उनको जो है इमाद वसीम हमारे यंगस्टर हैं तो वो हमारे वो नहीं रहे टीम में, लेकिन उस बंदे ने गुरुराना बात की और अल्लाह की ज़ात को हमारे को गुरूर नहीं पसंद है, उसने कहा जी नहीं इनको मोहम्मद रिजवान साहब को खेलना नहीं आता तो इस वजह से जी हम उनको निकाल रहे हैं। तो आज ये वक्त है कि मोहम्मद रिजवान साहब का कहने का उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा जी मुझे अपने रब पे यकीन है, अगर अल्लाह ने इस तरह लिखा था ना कि मैंने निकल जाना है तो कोई बात नहीं मैं दोबारा आऊँगा। और आज वो माशाल्लाह वो दोबारा आए और वो खेल रहे हैं, आज उनका इतना नाम है माशाल्लाह। तो इमाद वसीम साहब जो हैं वो बाहर हैं। अच्छा, मैं ना कल वीडियो सुन रहा था उसकी विक्रांत गुप्ता की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान आ गया, कहता जी वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिल रही तो पाकिस्तानी जो है मुझे बुला रहे हैं पास। विक्रांत गुप्ता आपने एक बड़ी अजीब चीज़ की है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, मैं उसके अंदर वाली सोच समझ गया हूँ। उसने बताया, आपने मीडिया को भी बताया, हमारे मीडिया को भी बताया, कहता जी मेरी सिर्फ एक मिनट की मुलाकात हुई है बाबर आजम के साथ। अच्छा, तो बाबर आजम के साथ एक मिनट की मुलाकात हुई, कहता मुझे शहीन शाह भी मिले, हारिस रऊफ भी मिले और मुझे जो है बाबर आजम भी मिले, तो कहता मैंने बाबर आजम को क्या कहा, बाबर आजम को कहा कि मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, तो बाबर आजम समझे कि शायद पिक्चर चाहिए होगी, ऑटोग्राफ चाहिए होगा, तो कहता मैंने उससे उसका बैट मांग लिया। अच्छा, अब उसकी ये तूने स्कीम देखी है कि उसने उसका बैट क्यों मांगा? क्यों मांगा?
वो हमारा प्लेयर है, बड़ा जर्फ है उसका, उसने बैट दे देना था उसने, लेकिन बहुत बड़ी बात की, उसने कहा मैं मैच खेल लूं फिर आपको बैट दे दूंगा। उसने उससे पहले लेने की कोशिश की कि ये बैट से लगता है चिके बहुत निकलते हैं, तो इससे मैं इससे बैट ही ले लूं। ले लो तो मैं भी ट्राई करूंगा अपने प्लेयर्स को दूं मैं। क्या सीन है, चिके जो के आपको बचते हैं। नहीं, मैं तो यही समझता हूँ कि उसने जो है ना देखने की कोशिश की है कि हम पाकिस्तान का बैट चेक करें कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, क्या इसके बैट में ऐसी चीज है। क्या यार, बैट बूट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बंदे का टैलेंट होता है। ये टैलेंट होता है अपने पास में, जोर होता है बंदे का, भाई अपनी लक है हर बंदे की। तो कोई अच्छा, वो सीन याद है जब रोहित शर्मा की किलियां उड़ी थी, विराट की आंखें बाहर आ गई। हां विराट वो ना टिकटॉक पे आया था ऐसे, वो उन्होंने रियल टीवी पे नहीं वो चीज दिखाई, उसकी विराट की आंखें हेलमेट के अंदर वाजे नजर आ रही, आंखें बाहर आ गई, बड़े गुस्से से देख रहा था ऐसे किया जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम उन्हीं को फेस करते हैं, हमें अपने बॉलर्स की आदत है, हमारे पास वो पेस नहीं है, तो लिहाजा उनके वो पता चलता है कि पाकिस्तान इंडिया का टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के पेसर्स से डरता है। डरता है हमेशा, हमेशा डरता है, लेकिन हमने भी जब भी हमने कभी मतलब ये नहीं किया है कि हम उनके प्लेयर्स को डिग्रेड करें, हमने हमेशा तारीफ की है उनकी, नहीं अच्छा अच्छा बैट्समैन है, हमने अपने बैट्समैन को कभी हर तरह विराट हाँ हमने हमेशा तारीफ की है, हमने कभी मतलब ये उनकी तरह उठ के नहीं कहा लो जी हमारे ही हमारा पाकिस्तानी है जी बस हमारे ही बैट्समैन है। तो आप देखो आज क्या बनता है इंशाल्लाह, आज देखते हैं मैच कंटिन्यू रहेगा, अल्लाह ना करे कि अगर बारिश होती भी है तो फिर कल का दिन है, कल का दिन भी है और हम मैच को देखेंगे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और साथ-साथ किलियां उड़ते दिखाएंगे चाहे वो तो मैच का भाई, चाहे वो मैच का ही है, चाहे वो हमारी तरफ से होता रहे या क्या हो, नहीं वो तो हम दिखाते रहेंगे, चाहे वो अपनी किली उड़े चाहे इंडिया की उड़े, इंडिया की उड़े वो तो एक मैच का हिस्सा है, मैच का हिस्सा है, और फिर हम दोनों दिखाएंगे ना, दोनों तरफ चलेंगे ना, हम दोनों को लेके चलेंगे, अपना भी तो दिखाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यार मैं ना कल टिकटॉक देख रहा था, नीदरलैंड एंड इंग्लैंड का मैच हुआ, रात को ना टिकटॉक देख रहे थे, आफ्टर एडिटिंग मैंने ना मतलब व्लॉग वगैरह एडिट करके ना उसके बाद मैं अपना माइंड भी तो फ्रेश करना होता ना, तो मैंने निकाला वो क्या कहते हैं टिकटॉक देख रहा, तो अब मैंने लगाना था जी स्टेटस भी लगाना होता है, तो पाकिस्तान इंडिया मैच के मैंने स्टेटस लगाना, तो मैं जनाब क्रिकेट देख रहा है नीदरलैंड की और उसकी इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने भाई 498 स्कोर मारा, 499 का टारगेट दिया वनडे क्रिकेट में, क्या बात, क्या 50 ओवरों का मैच जो आजकल हमारा चल रहा है जो हम देख रहे हैं उसमें जनाब उसने उसको मारा है 498 सॉरी, बड़ा स्कोर है 498, मैं कहता हूँ कि 30-35 जो है ना ओवरों में उनका 200 या 250 स्कोर था, उल्टा फिर उन्होंने जो 200 मारा है ना वो आखिरी 15 ओवरों में मारा। हाँ माशाल्लाह इंडिया की तारीफ करते हैं जी, इंडिया भी माशाल्लाह एक वक्त है, इंडिया भी इंडिया का काम है, जब भी हम देखते हैं माशाल्लाह उसका जो लास्ट 100 होता है वो लास्ट 10 ओवर्स में होता है, बोंदर जाते हैं ये जब मारते हैं, ठीक है माशाल्लाह हम इंडिया की तारीफ करते हैं, करता है स्कोर माशाल्लाह हमेशा इसका, जब भी हमने मैच देखा है ये लास्ट 10 ओवर्स इसके 100 जाते हैं, इनके 100 होते ही हैं या 100 तो होता ही होता है, 85-80 के राउंड अबाउट। तो अफगानिस्तान भी बाहर हो चुका है एशिया कप से, और रात को श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है, लेकिन मैं कहता था कि बांग्लादेश आ गया है, बड़ा क्लासिकल मैच हुआ कल, हरिसन क्या कह रहे हैं बांग्लादेश को आ गया, बांग्लादेश को आ गया श्रीलंका, बांग्लादेश है ना जरा पाकिस्तान का थोड़ा सा रिलेशनशिप रहा है, मशरकी पाकिस्तान 9-10 के बच्चों को पता ही होगा, मुतालिया पढ़ते ही होंगे वो 9-10 के बच्चों को, हमारा ये सेकंड पाकिस्तान है, लहदा बहुत है छोटा भाई है नाराज हो गया, लहदा हो गया लगा चल जा तू उधर हम इधर, 9-10 में मुतालिया की बुक में है ये मगरबी बांग्लादेश और हमारे पाकिस्तान के काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दोनों टीमों की मैं तारीफ करूंगा, दोनों टीमें टफ मतलब मजा आता है इनके साथ खेलने का,
इनके साथ खेलने का मजा आता है। उन्होंने ये जो बांग्लादेश की ये चीज है, बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेशी रोना बड़ा डालते हैं, शोर डालते हैं, अगले को पजल करते हैं, इनमें ये चीज बड़ी है। और जो श्रीलंका की टीम है ना वो करती है, वो गेम के थ्रू आती है, वो गेम खेलती है, वो क्रिकेट खेलती है, वो यार मैं देख के हैरान हो गया। वो यार वो श्रीलंका का दूसरा मलिंगा निकला है, वो तो यहाँ से बहुत यार वो एक उनका बहुत कह रहे रोल मॉडल एक किस्म का बन गया, वो उनकी एक टीम की निशानी बन गई, एक उसमें उस तरह का बॉलर उन्होंने रखना ही रखना है, वो एक निशानी है लेसिट मलिंगा, उसे फास्ट बॉल आके ऐसे करता है, ऐसे बॉल मारता है, उसी को लेके लेसिट मलिंगा को आगे लेके चल रहे। तो अच्छी बात है, कोई ना कोई एक आधा लेजेंड होना चाहिए टीम में, वो उसी लेजेंड को लेके आगे लेके चल रहे। वो फनी करेक्टर मारा हसन अली, शुगल लगाता है वो, मतलब टीम की रौनक है, ऐसे ऐसे ठीक है। अभी पता नहीं उसके क्या वक्त चल रहा है, अभी वो क्यों नहीं टीम में आ रहा, इंशाल्लाह आएगा वापस इंशाल्लाह। वो भी नहीं टेस्ट में आता है, टेस्ट खेलता है मैच, टेस्ट मैचेस में आता है बिल्कुल, या फिर भाई विकेट लेता है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बिजी होगा इस वजह से नहीं आके आ रहा, कोई घरों में भी इशू होते हैं, कोई टीम का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर जी श्रीलंका आगे आ गया, अब आज हमारा फैसला होगा और हम अच्छा गर्मी कितनी पहुंचे पहुंचे खड़े हैं, ये तुम्हारी शर्ट से पता चल रहा है। एसी ऑन करो यार, एसी ऑन करो स्टूडियो का। यार हमारे इधर ना बिल बहुत आ रहे हैं, इसलिए हमने एसी हमने बंद किया होगा, एसी हमने बंद किया आजकल आपको भी पता होगा कैसे हो। छत नहीं डाली हुई है ना, मगर अगर बारिश वगैरह भी आती है तो सीधी हमारे स्टूडियो में पड़ेगी, फिर हम स्टूडियो अपना क्लोज कर देते हैं। स्टेडियम में बैठे हैं, यू नो दैट, फिर आपको पता है एसी कहाँ से चले, कहाँ से एसी चलाया, आपको समझ नहीं आती कैसी बात करते हो आप यार, बच्ची वाली बातें कर रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ स्टूडियो में करते तो धूप आ गई। नहीं भाई हमने हवा आके ऊपर एग्जॉस्ट रखा हुई, मुझे से आ रहा खुला एग्जॉस्ट छोड़ा हुआ, टेंशन ना ले यार, कोई बात नहीं, आप बड़ी प्यारी जगह में बैठे हुए हैं जी। तो जी हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं जी, बिकॉज टाइम बहुत नजदीक आता जा रहा है, तो जी आपको मिलते हैं हम अपने, रह गए हैं तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट 45 डाल दिए मैं भी कहूँ। तो जी इंशाल्लाह जी आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, हमें दें इजाजत, और इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में हम खप रहे हैं, फिर भी हमें रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई हमें रिस्पांस दे, हमें कोई व्यू दे, हमें कोई कमेंट किया करें, कमेंट करिए आप, हमें कमेंट ही नहीं करते, हमें कमेंट भी बताएं हम क्या क्या करें, कैसा कंटेंट आपको दें, आप हमारे से खुश हैं कि या गमगीन है, हमें सब बताएं, हमें बताया करें, सिद्धार्थ भी बताने लगा गमगीन है कि खुश है। तो जी नहीं यार सही बात है, मिलते हैं हम अपने आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और मैच भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, ठीक है, अब हमें दें तब तक इजाजत, और मैं जाता हूँ अपने किचन में, इनके लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम भी करते हैं, ओके, ओके। और हमारा मैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जीतेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड्रोलॉजी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।